जय माता की भक्त। आज हम चर्चा करेंगे रात की रानी के पेड़ के विषय में। रात की रानी का जो पेड़ है, इसमें एक आसुरी शक्ति का वास रहता है और वो शक्ति बहुत ही प्रचंड शक्ति है। उसकी साधना की जाती है। रात की रानी का पेड़ एक खास प्रकार का पेड़ है। इसके फूल रात में ही खिलते हैं और फूल की महक इतनी तेज होती है कि आसपास की आसुरी शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। और जिस स्थान पर ये पेड़ होता है, वहां पर वो अपना खेल खेलती है। जो भी व्यक्ति उन आसुरी शक्तियों के चक्कर में फंस जाए, तो उसकी मौत निश्चित है। तो ऐसे में अनजान व्यक्ति फंस जाते हैं, जानकार व्यक्ति जो जानते हैं उस पेड़ के साय से भी दूर रहते हैं। तो भक्तों, अब उन आसुरी शक्तियों को कैसे वशीभूत किया जाए, इस विषय में मैं आपको बताता हूं। जानकारी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा के आने वाली वीडियो को देखने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे तो घंटी वाले बटन को दबाइए। अब आगे हम जानते हैं कि उनको कैसे वशीभूत किया जाए। रात्रि में उस पेड़ के नीचे खीर बनाई जाती है और पुए बनाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के समय में आप उन चीजों को बनाएंगे, आसुरी शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमेंगी और आपसे उस भोजन को मांगेंगी। आप उनको ये भोजन ना दें और भोजन देने से पहले उनसे वचन ले लें ताकि वो आपका नुकसान ना करें और आपके काम में आए। आसुरी शक्तियां आपको वचन देंगी और आपके हर काम को करेंगी। जब आप उनसे वचन ले लें, उन वचन में आप क्या कहेंगे उनसे? पहले शब्द ही होंगे कि मैं आपको जब बुलाऊंगा आओगे। दूसरे शब्द में मैं आपको जो काम कहूंगा वो काम करोगे। तीसरी बात कि मेरी आज्ञा के बिना आप कोई भी काम नहीं करोगे। इन शब्दों को वो हाँ में कहते हैं और आपकी बात मान लेते हैं, तभी उनको भोजन दें और वो शक्तियों को आदेश करें कि आप अपने स्थान पे चले जाइए। जब आपको आवश्यकता हो उनसे काम कराइए, तो वो शक्तियां आपके आजीवन वशीभूत रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय माता।